we face the greatest cascade of crises in our lifetime. जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली कौमी मुजाहिदा की जनरल असम्बली है उसका 76वां इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है और इस इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह जो हैं वो शरीक हैं जबकि मुतअद्दिद ममालिक के खारजा जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए इजलास में आज शरीक हुए हैं। तहम इस मरतबा वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो इजलास में शरीक नहीं होंगे बल्कि 24 सितंबर को वज़ीर आज़म वीडियो लिंक के ज़रिए जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। अपने खिताब में वो मजमूई तौर पर इलाकाई सलामती की सूरत हाल और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र के हवाले का जो नुक्ता नज़र है आलमी सलामती और आलमी अमूर के हवाले से उसे वो तफसीली तौर पर जनरल असम्बली में पेश करेंगे। आज का इजलास जो है इसके आगाज़ में अमरीकी सदर जो बाइडन ने जो है वो इससे असम्बली से खिताब किया है। अमरीकी सदर ने तफसीली तौर पर जो अमरीका का इस वक्त का नज़र है आलमी सलामती के हवाले से उसे पेश किया है। चाइना के हवाले से जो अमरीका का नुक़्ता नज़र है उस पर उन्होंने तफसीली बात की। इसके अलावा कोविड के जो खात्मे के लिए जो इस वक्त कोशिशें जारी हैं उस पर सदर बाइडन ने तफसीली बात की और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आलमी बरदारी और जो दुनिया है वो मिलकर इस वबा के खात्मे के लिए काम करें। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो इस वक्त मसाइल दरपेश हैं उस पर भी सदर बाइडन ने तफसीली जो है वो तबादला ख्याल किया। चाइना के हवाले से एक अहम बात जो उन्होंने कही उनका ये कहना था कि अमरीका चाइना के साथ सर जंग नहीं चाहता। तहम आलमी इलाकाई सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए अमरीका अपना किरदार जो है वो अदा करता रहेगा। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो यहाँ पर खुसूसी तौर पर इस इजलास में शिरकत के लिए पहुँचे हैं उन्होंने मुख्तलिफ वफूद से जो है वो मुलाकातें भी की हैं और वो इजलास अपने दौरान न्यूयॉर्क के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा ख़ारजा से मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए हैं जिनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत जारी है। तहम एक वक्त से मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली बात की। उनका ये कहना था कि अफगानिस्तान इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है और अमरीकी अफवाज के इतला के बाद ये इंतहाई नाजुक दौर है अफगान अवाम के लिए और अफगान हुकूमत के वहाँ पर बनने वाली हुकूमत के लिए भी। उन्होंने आलमी बरदारी से ये जोर देते हुए कहा कि इस नाजुक घड़ी में आलमी बरदारी जो है वो अफगानिस्तान को किसी भी सूरत तनहा ना छोड़े। अगर ऐसा किया गया तो जो अमन की उम्मीद अफगानिस्तान में इस वक्त पैदा हुई है वो मखदूश हो जाएगी। उनका कहना था कि पाकिस्तान गुज़िश्ता चार दहाइयों से अफगान महाजरीन को पना दिए हुए है और अब ये मज़ीद ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उनकी मईशत इस बात की मुकम्मिल नहीं है कि इस मेज़बानी को मज़ीद जो है वो आगे लेकर जाया जा सके। उन्होंने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में इंतमायत की हुकूमत जो है वो कायम हो। वही सूरत हाल है इस वक्त न्यूयॉर्क की उसके हवाले से भी बात करना ज़रूरी है। कोविड-19 की वजह से जो जनरल असम्बली का इजलास है वहाँ पर वो ना तो वो रौनक है और ना ही वो गहमा गहमी है। इस वक्त जितना भी आर्मी मीडिया यहाँ पर मौजूद है वो एक महदूद स्पॉट तक महदूद उसको कर दिया गया है। इससे आगे जो है वो मीडिया नहीं जा सकता। मुख्तलिफ वफूद जो यहाँ पर पहुँचे हैं उनका साइज भी जो है वो छोटा किया गया है ताकि कोविड के जो खतरात हैं मुमकिनात हैं उनसे जो है वो बचा जा सके। सिक्योरिटी जो है यहाँ पर हाई अलर्ट रखी गई है। किसी भी मतलब जो गैर मुतलक शख्स को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस वक्त जितना भी अकवामे मुतहदा की बिल्डिंग के अतराफ का इलाका है उसे कॉर्डन किया गया है लेकिन हम देख रहे हैं कि अकवामे मुतहदा का ये इजलास जो है जनरल असम्बली का ये इजलास जो है इसकी जो गहमा गहमी है वो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही और गुज़िश्ता साल भी यही सूरत हाल यहाँ पर देखने को जो है वो मिली थी लेकिन इस मरतबा इस मज़ीद चूँकि इकदाम सख्त किए गए हैं कोविड के जो मुख्तलिफ वायरस की वजह से वेरिएंट जो के फैल रहे हैं उसकी वजह से इंतहाई सिक्योरिटी के साथ इकदाम किए गए हैं। बड़ी तादाद में आलमी मीडिया जो है वो यहाँ पर मौजूद है इस इजलास को कवर करने के लिए लेकिन उसे भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो
जो प्रॉब्लम हो जाता है, हेडक्वार्टर्स हैं उसके बाहर से ही कवरेज कर सकता है, बिल्डिंग के अंदर जो है वो मीडिया को आने की इजाज़त नहीं दी गई। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक के शहरी जो हैं वो यहाँ पर अपना एहतजाज भी जारी रखे हुए हैं, क्योंकि ये एक रिवायत है जब भी जनरल असम्बली का इजलास होता है तो मुख्तलिफ ममालिक के जो शहरी यहाँ मौजूद हैं वो अपने अपने मुल्क के मसाइल और अमरीकी पॉलिसियों के हवाले से जो खदशात हैं उनके खिलाफ यहाँ पर एहतजाज करते हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ पर एक मुख्तलिफ ममालिक के शहरीों की जानिब से एहतजाजी सिलसिला जारी है, इसमें स्लोगन्स और उनके जो मुतालबात हैं उनको दोहराया जा रहा है। तमाम ये इजलास जो है वो जारी रहेगा, इसमें ममालिक के सबूत जो है वो खिताब करेंगे और इस वक्त आज भी दरपेश मसाइल हैं और जो इस वक्त कोविड और अफगान अफवाज के इंकलाब के हवाले से जो अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक हैं उनको जो खदशात हैं उस पर जनरल असम्बली के इजलास में तफसीली जो है वो बातचीत की जाएगी। अभी तक के लिए अपने मेज़बान ज़ीशान शमसी को जो है वो इजाज़त दीजिए। जिस तरह इजलास की कार्रवाई आगे बढ़ेगी हम RRN के नाज़रीन को उससे खबर रखेंगे और यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो जनरल असम्बली के इजलास के दौरान जो मुलाकातें हो रही हैं उससे भी RRN के नाज़रीन को जो है लम्हा ब लम्हा बखबर रखने का ये जो सिलसिला है वो जारी रखेगा। शुक्रिया।